हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फियर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआएं ये आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम है मंसूर। सो गाइस, आज हम एक और नई वीडियो के साथ लेकर आ गए हैं भाई, चाइना वर्सेस इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये जंग क्यों शुरू हो गई थी, मतलब लड़ाई वगैरह ना, शुरुआत से जानते हैं। हाँ, शुरुआत से जानते हैं इसकी सिचुएशन क्या थी और सारा कुछ ना इसमें जानकारी लेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो आप सब भाइयों के साथ भी शेयर करने लगे तो इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो कार्डन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जय हिंद। देखिए, चाइना का एक इतिहास रहा है कि कम्युनिस्ट कंट्री है और अपने देश के अंदर हो रहे विद्रोहों को दबाने के लिए अपनी जनता को मीडिया से दूर रखता है और विदेशी आक्रमण या किसी छोटे मोटे लड़ाई का सहारा लेता है ताकि वहां की देश इसे भूल सके। ऐसे ही 1962 में हुआ था। 1960 में माओ के खिलाफ वहाँ आंतरिक विद्रोह की संभावना हो रही थी। माओ ने इसका फायदा उठाते हुए 62 की लड़ाई थोप दी भारत के ऊपर और अक्साई चीन का एरिया कब्जा कर लिया। उसी समय इसने ताइवान के इसे क्या नाम है अरुणाचल प्रदेश को अपना दक्षिणी तिब्बत। ऐसा नेहरू के समय हुआ था। अभी यहाँ पर सी जिनपिंग क्रास लगा दिया है, इसके समय भी बहुत तेजी से विरोध हो रहा है। चाइना में सी जिनपिंग के खिलाफ बहुत तेजी से बगावत। इसने भी वही सहारा लिया जनता का ध्यान भटकाने के लिए। इसने भी भारत से लड़ाई थोपने के लिए कई बार अक्से उत्साह वाले काम किए। अभी हाल में इसने तवांग में घुस गया। अरुणाचल प्रदेश का जगह है तवांग घाटी। तवांग जिला में है, वहाँ पे चाइनीज सैनिक ऊपर आने लगे भारतीय पोस्ट पर। भारतीय सैनिक को ले डांटा मार एक भी भारतीय को किसी भी तरह की गंभीर चोट नहीं आई है। कुछ भी सैनिक चलो शुक्र है भाई। ये हमारे रक्षा मंत्री का खुद का संसद में दिया हुआ स्टेटमेंट था। और वहीं चाइनीज मीडिया इस पर एकदम चुप है। चुप है, उसके सामने कुछ बोलने को है ही नहीं। आपको याद होगा जो जून 2020 पिटाया था, 6 महीने बाद बोला था कि हम लोग पिटा गए। उस इतनी होता है, आके भाज रहा था, मार का पार फाड़ दिया चाइनीज सबका। चाइना वहां से भाग निकला और अभी चाइना कुछ नहीं बोल रहा है। अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये कभी ताइवान के ऊपर अटैक करता है, कभी भारत की ओर। अभी इसके जो फाइटर जहाज थे सब वो कई बार तवांग में आए थे और पास में मडराने। हाँ, बिल्कुल। उत्तराखंड के पास मडराने के भी कई रीजन है। उत्तराखंड में अभी भारत और अमेरिका की सेना यहाँ बहुत करीब नंदा देवी पर्वत के पास आकर चाइना के पास युद्ध अभ्यास की। इसीलिए वो अपने ड्रोन जहाज ड्रोन को और उसने सबसे बड़ा जो बमबर्षक जहाज बनाया S-20 ये बमबर्षक जहाजों को भारत की सीमा के पास उड़ाते रहते हैं। तो भारतीय सेना भी अपनी वायु से एयरफोर्स को तुरंत एक्टिवेट कर देती है और एयरफोर्स भी ऊपर से जाके वार्निंग देने लगती है कि अगर इधर की ओर आओगे तो तुम्हारा भी इलाज कर रहे हैं। चाइना को पता चल गया है कि भारत की अब विदेश नीति जो है काफी एग्रेसिव होती है और ये होना भी चाहिए। हमें अपने दुश्मनों को पहचानने में क्षणिक भी देर नहीं। इंडियन एयरफोर्स अब काफी तेजी से चाइना का मुकाबला करने लगती है। चाइना के साथ समस्या ये है कि यहाँ पे तिब्बत है। तिब्बत का पठार इतना ऊंचा है कि यहाँ पे कितना भी बेहतरीन जहाज दे दीजिए, कितना भी बेहतरीन जहाज, वो अपने फुल कैपेसिटी से नहीं उड़ सकता है क्योंकि तिब्बत में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। और किसी ऑक्सीजन की हो गया उसमें ईंधन जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है। तो यहाँ कितना भी बढ़िया जहाज रहेगा, यहाँ से यहाँ आने में अपनी पूरी पावर नहीं लगा सकता है। जहाज तो इधर ही रखा हुआ है, यहाँ पर इसके लिए ज्यादा उधर नहीं है, इसी को ज्यादा दिक्कत आता है। आपको पता होगा तिब्बत और हिमालय कोई कमर्शियल जहाज जाते नहीं है। तो इंडियन एयरफोर्स काफी एग्रेसिव में इसमें आगे बढ़ रही है, लेकिन चाइना इसे अन्य जगहों से घेरना चाह रहा है। पाकिस्तान के सहारे घेरना चाह रहा है, मलक्का के सहारे, इधर तंजानिया के सहारे, तंजानिया के साथ इधर से मलक्का को इधर से, और ऐसे चारों ओर से चाइना भारत को घेरना चाह रहा है। हालांकि अब काउंटर अटैक के मूड में वायुसेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। एयर बेसेस को भारत बढ़ाया जा रहा है। अभी गुजरात में दिशा एयरबेस का शिलान्यास किया गया। यह एयरबेस बहुत जरूरी था। दिशा एयरबेस कहाँ है, उससे पहले आपको पाकिस्तान के एयरबेस का आइडिया होना चाहिए। पाकिस्तान का इधर का एरिया है बलूचिस्तान, इधर उसके दुश्मन कम है अफगानिस्तान है, तो उसमें अफगानिस्तान के पास कोई उतना टेक्नोलॉजी ही नहीं है। और उसका ज्यादातर एयरबेस अगर आप देखेंगे तो ये भारत की ओर मिलेगा। ये उसने पाक इंडिया की तरफ कब्जा कर लिया है। यहाँ पर अब यहाँ अगर आप वही भारत ने कर लिया है। पाकिस्तान के बहुत सारे एयरबेस है जिसमें शहबाज एयरबेस मेड भी नहीं लगा, यहाँ F-16 जहाज रहती है। शहबाज एयरबेस, सुकूर एयरबेस, यहाँ पर मीरपुर एयरबेस, ये तीन एयरबेस पाकिस्तान के बहुत ही फ्रंट लाइन की एयरबेस है भारत को आगे की ओर काउंटर करने के लिए। और एक कश्मीर के पास में आया स्कार्दू एयरबेस, ये
स्कार्दू एयरबेस कहाँ, पीओके में ही है स्कार्दू, तो कुछ जगह जो है ना करंट में जब फेमस हो जाते हैं तो उससे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है, इसलिए याद रखने आता है। तो यहाँ मीरपुर एयरबेस, सुकूर एयरबेस और यहाँ शाहबाज एयरबेस, यहाँ पर इन एयरबेस से भारत में अंदर तक हमला किया जा सकता था। इसको काउंटर करने के लिए जोधपुर में फलोड़ी एयरबेस था, गुजरात के कच्छ में नलिया एयरबेस था, तो ये यहाँ से इसे काउंटर किया जा सकता था, इसे काउंटर किया जा सकता था। लेकिन अभी पीएम मोदी ने यहाँ पर एक दिशा एयरबेस का उद्घाटन किया, एयरबेस जो है अब यहाँ से और अंदर तक काउंटर अटैक किया जा सकता है। तो ये एयरबेस भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको हर तरह से काउंटर अटैक के लिए रेडी रहना है, क्योंकि चाइना लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करते जा रहा है। तो ये एयरबेस जरूरी है। भारत अब अपने जितने भी एयरबेस हैं उसको, उसमें जो जहाजों को रखने के लिए बंकर है उसे अब नए मॉडल से अपग्रेड कर रहा है, उसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन हार्डन एयरक्राफ्ट शेल्टर। ये इतने मजबूत होते हैं कि रनवे के बाद जहाज को अगर इसमें ले आ देते हैं तो इसके ऊपर 1000 किलो का भी बम गिरा दिया जाता है ना, इसको कोई असर नहीं होता। ये देखिए, ये जहाज इसी के अंदर था, न्यू जनरेशन कैसी है भाई, रख के तोड़ा है सब, ये ऊपर वाला ब्लास्ट हो गया है, जहाज चुपचाप निकल के चला गया। तो ये भारत इसको बहुत तेजी से अपने हर एक एयरबेस में इसको ला रहा है, ताकि जहाज जो है एयरबेस पे भी सेफ रह सके, ताकि युद्ध की स्थिति में काउंटर अटैक किया जा सके। भारत इसको बहुत भली भांति से समझ गया है कि अब हम लोगों को एग्रेसिवली आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चाइना लगातार हमें घेरते आ रहा है। इसलिए भारत ने अपने यहाँ, ये तो हो गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के लोगों को भारत से बहुत लगाव रहता है, तो भारत अफगानिस्तान भारत बिल्कुल ये तो बात है, यूके कब्जा करने की वजह से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर है आपका ताजिकिस्तान, ये ताजिकिस्तान जो जगह है यहाँ पर भारत 2 एयरबेस ले रखा है, यहाँ से हम चाइना के लिए भी काउंटर अटैक कर सकते हैं, यहाँ से पाकिस्तान के डीप एरिया में भी काउंटर अटैक कर सकते हैं। दो एयरबेस है यहाँ पर, एक का नाम है ऐनी एयरबेस और एक का नाम है फारकोर एयरबेस। ये दोनों एयरबेस ताजिकिस्तान में, फारकोर और ऐनी एयरबेस, इससे हम लोग चाइना के एरिया में काउंटर अटैक और पाकिस्तान में कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा काम कब करेगा, चाइना यहाँ पे सड़क बना रहा है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, इसको इधर से तो अटैक करता ही हो सकता है, इस एयरबेस के थ्रू यहाँ से भी अटैक किया जा सकता है। इसलिए भारत को अब रेडी रहना है, क्योंकि चाइना में अगर ज्यादा विवाद होगा तो पक्का किसी ना किसी से उलझेगा, तो उधर या तो उलझेगा ताइवान से नहीं तो इधर उलझेगा भारत से, इसलिए सतर्क रहना है। हम लोग के लिए भी एक तरह का ये लिटमस टेस्ट है, हालांकि भारत बहुत तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, लेकिन चाइना की सोच क्या है, वो सिल्क रूट के माध्यम से भारत को घेरना चाह रहा है। लेकिन चाइना की टेंशन क्या है, वो मलक्का के पास से यहाँ से भारत को, ये उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मलक्का के पास भारत बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार है, ये अंडमान निकोबार में हमारी तीनों सेना रहती है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। यहाँ नीचे में कोकोस आइलैंड है, कोकोस आइलैंड, चाइना यहाँ से या तो मलक्का से होके निकलेगा या तो सुंडा से होके निकलेगा। अगर मलक्का से होके निकलेगा तो अंडमान निकोबार में कुछ आएगा, और अगर सुंडा से होके निकलेगा तो कोकोस में कुछ आएगा। देखिए कोकोस आइलैंड हमारा नहीं, देखिए कोको अलग है, कोको आइलैंड म्यांमार के पास है, हम ही लोग का था बिल्कुल, ये कोकोस आइलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का हम लोगों ने समझौता कर रखा है कि एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल करने के लिए, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं यहाँ से काउंटर करने के लिए। इसलिए चाइना को पता है कि इस एरिया में हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चाइना मलक्का को अपने डेलिमा दुविधा समझता है, मलक्का डेलिमा, इसलिए वो डायरेक्ट इस एरिया से समुन्दर से घूम के नहीं आना चाहता है, वो डायरेक्ट सड़क के माध्यम से अपने सामान को यहाँ लाता है और इस रास्ते से निकल जाता है। यहाँ पे उसने बहुत बड़ी सड़क बना रखी है, इस सड़क के चारों ओर फैक्ट्री, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल्स, अलग अलग, ताकि लोगों को करना भी बहुत जरूरी है, जो ग्वादर पोर्ट से जुड़ता है। यहाँ पर सीपीईसी के लिए यहाँ पर हमको ऐनी एयरबेस और फारकोर एयरबेस यहाँ से काउंटर कर देंगे, और यहाँ ईरान का चाबहार बंदरगाह हम इसे काउंटर करके आइसोलेट कर सकते हैं, इसलिए आने के लिए जरूरी है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी संभावना है, ये तो है भाई, बहुत सारी है, ये नहीं थोड़ी सी है, लेकिन यार जो भी हुआ है बहुत ही चाइना के साथ अच्छा हुआ है, क्यों वो रातों की बहुत बातों से नहीं समझते यार। चाइना जो है ना अभी अपने मीडिया जो है ना, यानी खबरें वगैरह वो अपने वो बच्चों को नहीं कर रहा, बच्चों को यानी लोगों को शो ही नहीं कर रहा कि हमारा क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है बिल्कुल, और इन्हीं की वजह से वो कह रहे हैं कि हमारा जो लीडर है ना उस पर कोई बातें ना कर, बिल्कुल, और हमारा इंडिया का ये सीन है ना, बच्चा बच्चा भाई गर्व से छोड़ो हो गया, नारे लगा रहा है यार, गर्व हो गया इंडिया,
और ऐसी वीडियो ये वायरल हुई है कि सारी दुनिया कह रही है कि जबरदस्त बहुत और अच्छा। चाइना की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया और इंडिया ने कितनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी न्यू जनरेशन कैसी बनाई हुई है वो चकियो एयरक्राफ्ट 1000 किलो वही ना उस पे 100 किलोग्राम का भी भाई वजन डाल दिया जाए ना और या उस पे दूसरा किया जाए मिसाइल भी फेंका जाए ना फिर भी कुछ नहीं हो सकता जहाज बिल्कुल सेफ हो जाएगा यार जबरदस्त और यार चाइना भी जो भी कर लेना नहीं कर सकता यार कैसी ये घुस जाए ना चूहे खाने वाले यार कहाँ करेंगे वही ना जो भी कोशिश कर लेना अभी आपके सामने था ये सारा कुछ जो बगाया है वापसी तो यार ये अंदर आके क्या है इंडिया का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते ये जो है ना अपना नुकसान कर रहा है सही बात है यार हमें इसमें बहुत ही इंटरेस्ट हुआ है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी वो तो हम सब भाइयों को पता है कि यार आपका इस टाइम बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आपने फतह की हुई है उन्हें शिकस्त दे दी है बिल्कुल तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें ताकि आपको न्यू हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टाइम से मिलता रहे और आप एंजॉय करते रहें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा यार बाय।